नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि सोयाबीन के बारे में कुछ जानकारी दें और नई फसल भी मंडियों में आ गई है, तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट और शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो बजरंग जी, हमारे किसान भाई और ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि नई फसल आने के बाद सोयाबीन का स्तर अक्टूबर में क्या रहेगा, नवंबर में क्या रहेगा और कितनी फसल आने का अनुमान है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। भाई, फसल का जो अनुमान है ना, 120 लाख टन के आसपास है। कई लोग 130-135 भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का ध्यान है कि 110 के आसपास रहेगी। बाकी कैरी ओवर स्टॉक कम से कम 30 से 35 लाख टन के बीच में है। मतलब कुल मिलाकर के क्रॉप साइज अगर अपन देखें, कैरी ओवर मिलाकर के, तो 150 लाख टन के आसपास रहने वाली है। क्योंकि अभी जो रिकवरी के डेटा भी आ रहे हैं, जो फार्मर से भी बात हो रही है सब जगह, तो कहीं पे 3 बोरी बीघा है, कहीं 4 बोरी बीघा है, कहीं 5 बोरी बीघा भी है। बाकी जो अपन इंडिकेट कर रहे थे कि भाई फसल को बहुत लंबा नुकसान होगा, ऐसा सुनने में कम आया है। अगर 10% अगर फसल को नुकसान है भी सही, तो उसके साथ साथ सामने रिकवरी भी ठीक है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि फसल मतलब बहुत कम आएगी, व्यक्तिगत रूप से मेरा ध्यान है। बाकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो DOC है उसको एक्सपोर्ट की पैरिटी में ही बिकना पड़ेगा। बिल्कुल। या तो गवर्नमेंट DOC में जैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करे, कोई टाइम पे 5% इंसेंटिव गवर्नमेंट ने बहुत लंबे समय तक दी, उसके बाद 10% तक भी इंसेंटिव दी थी गवर्नमेंट ने, ताकि अपनी DOC बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट आराम से हो जाए। कारण अपनी DOC में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से, वैसे भी ये DOC 30-40 रुपये, $30-40 प्रीमियम पे बिकती है, प्लस इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट को दे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भाव अभी चल रहे हैं इससे भाव नीचे नहीं जाएंगे। मतलब अभी 4800 के आसपास, जैसे 4800 नहीं, अभी 4650 के आसपास जो प्लांट हैं, 4650 है महाराष्ट्र वगैरह, 4800 है। बाकी जो भाव रहेगा वो इसके आसपास आपका चलता रहेगा, और जब तक DOC का परफेक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक इसका निस्तारण नहीं होगा, और फिर कोई जब तक तेज़ी नहीं बन पाएगी। तेज़ी, स्थायी तेज़ी बनने के लिए देश से, जैसे पहले भी 30-35 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ करता था अपने यहाँ से, पिछले साल भी 17 लाख टन का एक्सपोर्ट था। बाकी चूंकि प्रोडक्शन ठीक था तो उस एवरेज में एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, तो इसमें फिर तेज़ी थोड़ी बहुत आ सकती है। दूसरा, NCDEX का प्लेटफार्म भी चालू नहीं है, काफ़ी समय से बंद है। गवर्नमेंट ने प्राइस की वजह से इसको बंद कर रखा है। NCDEX के प्लेटफार्म से सबसे बड़ी एक बात थी कि अगर मान लीजिए सरप्लस जैसे इस टाइम पे स्टॉक है, तो कोई भी आदमी NCDEX में बेच करके फ्री हो सकता था, डिलीवरी वहाँ लग जाती थी और वो फिर आगे उसका कैरी ओवर जो भी ब्याज भाड़े के हिसाब से आगे कैरी ओवर करते रहते थे। अभी गवर्नमेंट को 2-3 कदम तुरंत उठाने चाहिए। पहला तो एक NCDEX का प्लेटफार्म तुरंत ओपन करना चाहिए। दूसरा, DOC पे इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए। आप तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रहे, ठीक है कि भाई प्राइस चुनावी साल है, प्राइस का अल्लाह है, सारी बात है। बाकी आप ये दो काम अगर करें तो कम से कम इससे फार्मर्स को भी रिलीफ होगी और व्यापारी को भी रिलीफ। बिल्कुल। इंडस्ट्री भी बचेगी। तो अभी ऑल ओवर इंडिया में जैसे आप बता रहे हो कि 4600 के आसपास भाव, तो क्या MP वगैरह में भाव थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्या यहाँ से? नहीं, थोड़े से फ़र्क पड़ता है, 50-1 रुपये ज़्यादा रहते हैं यहाँ से। यानी भाई MP में MP के प्लांट के हिसाब से, राजस्थान में राजस्थान के हिसाब से, और अगर एक्सपोर्ट अगर DOC होगी तो MP चूंकि बोर्ड के ज़्यादा नज़दीक रहती है, तो MP के भाव वैसे ही 50-100 रुपये ज़्यादा रहेंगे MP महाराष्ट्र। तो अभी नमी के कारण भाव कम है या नहीं? ये जो मैं भाव आपको बता रहा हूँ ना, जैसे 46-47 है, ये हमारे 10-2-2 की कंडीशन के भाव हैं प्लांट डिलीवरी के। नमी के हिसाब से तो आपके अभी वर्तमान में सोयाबीन 4000 से लगा करके 4500 रुपये तक मंडी में बिक रही है। 4500 में मतलब एकदम ड्राई माल है, फिर जैसे जैसे नमी है, जैसे जैसे मिट्टी है, उस हिसाब से उनके भाव हैं। तो मतलब अपन क्या अक्टूबर का महीना भी क्या भाव आप जो बता रहे हो जिस स्तर पर, तो 4600 से आसपास? अगर आपका कुछ भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो देखो दिनेश जी, मान के चलिए आप 200 रुपये और घट सकते हैं। 200 रुपये और घट सकते हैं क्योंकि अराइवल का प्रेशर अभी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। और जब तक किसी चीज़ का निस्तारण नहीं होगा तो हर आदमी की अपनी कैपेसिटी लिमिटेड है, और पिछले साल से सभी ने पैसा खोया है, सब हर आदमी कमज़ोर हुआ है। नहीं, जब से कुछ सालों से तेलों का भाव कम होने से
प्लांट भी बंद होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्लांट अगर ज़्यादा मात्रा में होते तो शायद सोयाबीन की डिमांड भी ज़्यादा हो। बिल्कुल ज़्यादा होती। तो अब जैसे अपन कोटा का उदाहरण ले, तो कोटा में पहले कभी 15 प्लांट चलते थे, आज की तारीख में 4 या 5 प्लांट ही, 5-6 प्लांट करीब, 6-7 प्लांट चल रहे। तो सोयाबीन की डिमांड जो है यहाँ कम हो गई। अगर सोयाबीन की डिमांड रहती तो शायद किसानों को भाव भी अच्छे मिलते। नहीं, भाव अच्छे तब मिलेंगे जब ऑल ओवरऑल डिमांड ठीक, ऑल ओवरऑल डीओसी की डिमांड हो, क्योंकि इसमें 82% डीओसी रहती है, 17-18% तेल रहता है। तेल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट सोया में पर्टिकुलर नहीं पड़ता, सरसों में तेल का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें आपका तेल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डीओसी के लिए गवर्नमेंट कोई भी रेमेडी सोचती है तो उसका बेनिफिट यहाँ के फार्मर्स को मिलता है। वैसे भी 4600 रुपये आपका समर्थन मूल्य है, इससे नीचे तो वैसे जाना नहीं चाहिए। बाकी अभी अगर कोई भी कदम नहीं उठाती है गवर्नमेंट तो 4600 के अंदर सोयाबीन जा सकती है। अच्छा, भाई प्रोडक्शन ठीक है, ऑल ओवर प्रोडक्शन ठीक है, और उतनी डिमांड है नहीं, क्योंकि डिमांड जैसे लोकल में जो डीओसी की डिमांड है उसको तो कुछ डीडीजीएस ने ख़त्म कर दिया, जो आज के लिए बहुत प्लांट आ रहे हैं ना इथेनॉल वगैरह के, तो इनका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है डीडीजीएस करके है, वो भी काफ़ी पोल्ट्री में जा रहा है। पोल्ट्री में दो तरह की डिमांड रहती है, एक अंडों वाली और एक अपने जो मुर्गे जो कटने वाली होती है ना, तो अंडों वाली में आपके मैक्सिमम ये आपके डीडीजीएस जा रहा है, और जो जिसमें वो मुर्गी जो बनती है जिनको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए उसमें आपका ये सोया जा रहा है। तो इसलिए सोया का एक्सपोर्ट होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंपोर्ट क्यों हो रहा है? जैसे सोयाबीन का जो रो तेल है, कच्चा तेल है, और सोयाबीन का भी तेल है, वो भी इंपोर्ट क्यों हो रहा है जबकि अपने देश में इतनी ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन इंपोर्ट इसलिए हो रहा है कि साहब पूरे वर्ल्ड को आप एज ए होल देखिए, कि जहाँ की पैरिटी कहीं की भी पैरिटी कहीं से लग सकती है। अभी पाम की पैरिटी लग रही है हिंदुस्तान में, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर उसमें लग रही है, सनफ्लावर की लग रही है, सोया की लग रही है। आपका हिंदुस्तान का मार्केट थोड़ा, आप खुद देखिए ना, तेल 155 रुपये से 85 रुपये किलो पे आ गया। इसमें मेनली तो जो इम्पोर्ट का तेल सस्ता हुआ उसकी वजह से ही तो आया ही है। बाकी अपन लोगों ने या तो इसको तब करते कि भाई गवर्नमेंट उस टाइम पे कोई कस्टम ड्यूटी लगा करके कंट्रोल कर सकती थी, तो यहाँ पे चूंकि जब पूरा मार्केट ओपन है, विश्व एज ए होल ओपन है, तो उसमें जैसी पैरिटी लगेगी उस हिसाब से आएगा। तो अभी पाम सस्ता है, ग्लोबल है, अपने यहाँ की डिमांड बहुत तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आबादी है और अपन तेल को इतना खाते भी हैं, उतना पर कैपिटा तेल, और लोग इतना थोड़ी इतनी डिमांड नहीं, इतनी डिमांड अपने यहाँ पे, अपन मतलब जरूरत का 60% तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल कर रहे हैं साहब, इस बार भी करीबन 120-125% तेल इम्पोर्ट हो चुका अभी, हो चुका अभी तक, है ना। तो इसलिए अगर अपन ये कहें कि आगे तेल की कोई डिमांड विशेष निकल जाएगी तो वो भी निकलने वाली नहीं। मान के चलते थे पुरानी धारणा रहती, भाई त्यौहार आता है, दिवाली आती तो तेल की डिमांड बढ़ती है और इनके तेलन के दाम भी बढ़ जाते हैं, पर अब वो सारा वो सब गणित फेल हो गई, टोटल गणित फेल है साहब। आजकल तो ये है कि आप वक्त पे मजूरी बेसिस अगर काम हो जाए तो वो दिनेश जी कर लेना चाहिए। सभी से मेरा तो निवेदन ये है कि अगर आदमी मजूरी बेसिस मिलती हो चीज़ तो कर लेनी चाहिए, तो बाकी फ्यूचर की नहीं सोच के आज तो वर्तमान की सोचे तो ज़्यादा बेटर है। तो अपन ये कह सकते हैं भाई अक्टूबर और नवंबर में तो भाव इसी स्तर पर चले, हाँ इसी स्तर पर चले, इससे ऊपर बढ़ने की संभावना फिलहाल है नहीं है अभी, क्योंकि अगर सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे तो उतना मॉइस्चर भी तो कम हो जाएगा ना सीड में, तो इससे कोई विशेष, जब तक देखो आशावादी दृष्टिकोण का हो, जब गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट हो या कोई और तरह के, फिर बाहर का प्रोडक्शन भी अच्छा है, अमेरिका का भी अच्छा है, ब्राज़ील का भी अच्छा है, सिर्फ अपने अर्जेंटीना का प्रोडक्शन खराब है, तो उतना ब्राज़ील का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए बाहर का सिनोरियो भी अगर अपन देखते हैं तो वहाँ का प्रोडक्शन भी ठीक है। अभी बता रहे हैं गुजरात में मूंगफली की क्रॉप भी बहुत अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। हाँ सही बात है। इधर अपने सरसों का भी काफ़ी अच्छी क्रॉप थी, तो सरसों का भी मैदान में है, अभी तो सरसों काफ़ी पड़ी होगी, काफ़ी पड़ी हुई है सब। सरसों तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, 11 लाख टन सरसों तो गवर्नमेंट ने भी ली है, नेफेड ने खरीदी, नेफेड ने खरीदी है। तो दोस्तों ये थी सोयाबीन की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेनदेन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जानकारी देने के लिए बजरंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।